आदरणीय टोडी साहब और सभा में उपस्थित सभी व्यक्तिगण, अभी अभी हम अंदर आए और मुझे चीफ गेस्ट सबका मालूम नहीं है। महिला दिवस को आप प्रमोट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए समय समय पर कवि गुरु नानक देव जी ने, बहुत अच्छे अच्छे महात्माओं ने इसके लिए कोशिश की। तो आज भी जो लोग हमारी शक्ति को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, 50% हम लोग और 50% उन्हीं की गिनती है। और मैं समझती हूँ कि टोडी साहब भी उन्हीं में है। तो बात यह है कि जब तक हम लोग खुद नहीं उठते, कोशिश नहीं करते, कोई हाथ पकड़ने को नहीं आता, इतना ज्यादा हम सभी लोग पढ़े लिखे बैठे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन विषय जो है आज का, जगह जगह पर नारी दिवस के लिए मंच और प्रेरित भी कर रहे हैं और बार बार हमारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि नारी शक्ति खुद में बहुत बड़ी शक्ति है। तो मैं हम सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि जब तक ऐसे विंग्स हमारे पास नहीं रहेंगे हमें उड़ाने को, हमें प्रेरित करने को, हमारी अपनी शक्ति इतनी ज्यादा है कि उनकी जरूरत पड़ती है बस प्रेरणा के लिए। हम सभी विद्वान बैठे हुए हैं कि अंधेरा है आदि, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में आज भी एक कहानी प्रचलित है, काल्पनिक कहानी है कि ऑस्ट्रेलिया में था, पहले आसमान बहुत नीचा हुआ करता था, ये कहानी है उनके ऋग्वेद में, काल्पनिक है। इतना नीचा था कि आदमी सीधा उठ के चल नहीं सकता था, पशु पंछी उड़ते थे, वो देखते थे कि ये आदमी है नीचे कितना मुड़कर चल रहा है, इसको ऊंचा उठाने की जरूरत है। तो सभी पंछियों ने मिलकर एक बैठक बुलाई और तिनका तिनका इकट्ठा करना शुरू किया। उस तिनके को एक छोटे से चंदन की तरह बिछाया, फिर उन्होंने प्लान किया और पूरी जोर से उन्होंने उस तिनके के साथ ऊपर को कोशिश की। काल्पनिक कहानी है तो उनका आसमान ऊंचा हुआ तो सूर्य बीच में से नजर आया। जब सूर्य नजर आया अंधेरा छट गया, वो आदमी ऊंचा चलने लगा। ऐसे नहीं कि वो पहले घूमता था, ऐसे कि वो दिमाग से, दिल से ऊंचा हो गया, उसके अंदर प्रेरणा जगी, उसके दिल से अंधेरा दूर हुआ। तो समय समय पर ऐसे पंछी मुख वाले व्यक्ति समाज में आते रहते हैं। हम लोग ऐसे व्यक्तियों को सभी लोग प्रणाम करेंगे जिन्होंने हमारे इस अंधेरे को दिमाग से और दिल से दूर किया है और सारी की सारी सोसाइटी को ऊंचा करने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद करती हूँ टोडी साहब का कि इनकी रूपी वैसी ही पंछी हुआ जो अपनी अपने अकेले की बल पर चलते हुए इस चोच को लिए इतने पंछी इकट्ठे किए कि हम सबकी जिंदगी में कोशिश की है कि हम लोग थोड़े उजाले में आए। परमात्मा इनके साथ हमें जोड़े रखे और हम भी कोशिश करें कि हम भी किसी का आसमान ऊंचा कर सकें। थैंक यू।